दोस्तों आज मैं आपको रेडीमेड पेन कटिंग की जानकारी दे रहा हूँ। जब भी आप कहीं जाते हैं कंपनी में तो आपको मेजर में चार्ट मिलता है जिसके आधार पर आपको कटिंग करना होता है, तो मैं वही जानकारी दे रहा हूँ। उसका कैलकुलेट कैसे करते हैं, किस हिसाब से काटते हैं, कैसे काटते हैं, तो यदि आपको कहीं दिक्कत होगा दोस्तों तो आप मुझे कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए दोस्तों मेरे चैनल को और शेयर भी करिए दोस्तों। आज मैं रेडीमेड पेन कटिंग आपको बताने जा रहा हूँ और उसका पूरा फार्मूले के साथ में किस तरीके से उसका कैलकुलेट होता है बैक फ्रंट का जो भी दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, ठीक है। जैसे कि आप कहीं जाएंगे कटिंग करने के लिए या पैटर्न बनाने के लिए, पैटर्न मेकिंग के लिए, तो आपको मेजरमेंट चार्ट देते हैं वो लोग, तो जिसमें से कुछ जो मेन पॉइंट है मेजरमेंट का वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मेजरमेंट चार्ट में जैसे लेंथ, वेस्ट, हिप, थाई, नी, बॉटम, क्रॉच, वेस्ट बैंड दिया रहता है, तो मैं उसका ही, जैसे मान लीजिए कि लेंथ है 42 इंच, लेंथ 42 इंच है, वेस्ट 30 इंच है, हिप 37 इंच है, ये सब दोस्तों ऑलराउंड है, ठीक है। ये फुल लेंथ है, ये ऑलराउंड हिप है, वेस्ट है ऑलराउंड हिप 37 है, टोटल थाई 22 है, नी टोटल है 15 इंच 15 इंच, बॉटम 12 इंच 12 इंच, क्रॉच आगे पीछे दोनों मिला के, बैक फ्रंट मिला के 24 इंच है, ये दिया रहता है दोस्तों। तो आपको कटिंग करने से पहले आपको इसमें मार्जिन ऐड करना पड़ेगा, कितना मार्जिन देना है, तो आप अपने हिसाब से मार्जिन रख लीजिए। जैसे कि मैंने अपने हिसाब से रख लिया है, लेंथ में 2 इंच रख लिया है, वेस्ट में 1.5 इंच रख लिया है, 1.5 इंच, हिप में 2 इंच रख लिया है, 2 इंच, थाई में भी 2 इंच, ठीक है, नी में भी 2 इंच रख लिया है दोस्तों, बॉटम में भी 2 इंच रख लिया है, क्रॉच में भी 2 इंच रख लिया है, ये हमने मेरे हिसाब से रख लिया है। आप अपने हिसाब से रख सकते हैं या जो भी, या यही सही है जो हमने लिया है, ठीक है। तो ये दोस्तों टोटल हो जाता है, यहाँ पे ये टोटल का देखो दिया हुआ है, तो ये टोटल करेंगे तो 44 इंच हो जाएगा, 31.5 इंच हो जाएगा वेस्ट, हिप 39 इंच हो जाएगा, लेंथ 24 इंच हो जाएगा, नी 17 इंच हो जाएगा, बॉटम 14 इंच, क्रॉच 26 इंच, ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये गैपिंग कितना रखना है जो हमने यहाँ लिख रखा है, वेस्ट 0.75, हिप 0.75, थाई 2.4, नी 1.5, बॉटम 1 एंड क्रॉच 4, ये गैपिंग है दोस्तों बैक फ्रंट में जो गैप होता है, ठीक है। और ये हमारा जो कैलकुलेट करने के बाद आया है फ्रंट इतना, बैक इतना, तो ये हमने लिख रखा है। अब जैसे भी हम कटिंग शुरू करेंगे दोस्तों, हम कटिंग शुरू करेंगे तो एक एक पॉइंट पे जहाँ जहाँ हम आएंगे, मान लीजिए वेस्ट पे आया तो हमने कैसे कैलकुलेट किया है वो आपको हम शो करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्त कटिंग करते हैं शुरू, ठीक है दोस्तों। पहले हम एक सम लाइन मारेंगे, मैं पहले से मार रखा हूँ, देखिए यहाँ से सम लाइन है, ठीक है, पूरा नीचे तक मार लिया है, ये इसका इस पैटर्न पे पेपर पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है। रेडीमेड गारमेंट पैंट जो मेजरमेंट चार्ट से बनाते हैं, ठीक है। तो पहले हम सम लाइन मार लें दोस्तों, और पहले हम फ्रंट साइड लेंथ की बात करेंगे, साइड लेंथ का मेजर करेंगे दोस्तों। साइड लेंथ दिया है 42 इंच, ठीक है, 42 इंच दिया हुआ है, 42 इंच, जिसमें हम बेल्ट की हाइट निकाल देंगे, बेल्ट हाइट है 1.5 इंच, ठीक है, बेल्ट हाइट दोस्तों 1.5 इंच निकाल देंगे इसमें से हम, तो ये हमारा मार्जिन हो गया, यहाँ से 1.5 इंच रख लेते हैं, 42 इंच दोस्तों, 42 इंच, तो मैं इसमें 40 इंच ही रखता हूँ क्योंकि मेरा पेपर ही 40 इंच का ही है, ठीक है, मैं लेंथ रखता हूँ 40 इंच, ठीक है दोस्तों, लेंथ 40 इंच रख लिया दोस्तों। और उसके बाद 2 इंच का मार्जिन, ठीक है, ये हम 40 इंच पे स्क्वायर लाइन मार लेगा दोस्तों इस तरीके से, ठीक है, ये हमारा लेंथ निकल गया, यहाँ से हमने लेंथ माप लिया, ठीक है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका थाई लाइन मारेंगे, ठीक है दोस्तों, थाई की लाइन मारेंगे, और फ्रंट राइज कितना होता है वो भी लाइन मारेंगे दोस्तों। तो दोस्तों जैसे कि इसमें दिया है फ्रंट लाइन, तो
मैं आपको बता रहा हूँ उसका कैलकुलेट कैसे करते हैं। जैसे कि दोस्तों दिया है, अब फ्रंट राइज दिया है दोस्तों 11 इंच, फ्रंट राइज दिया हुआ है 11 इंच, मेरा मेजरमेंट आया है क्रॉच का, जो ऑल ओवर क्रॉच है जिसमें फ्रंट 11 इंच है, जिसमें दोस्तों बेल्ट भी है, तो 11 इंच टोटल पकड़ेंगे, जिसमें 1.5 इंच बेल्ट घटा देंगे तो हो जाएगा 9.5 इंच दोस्तों, ठीक है 9.5 इंच। तो अब इसका कैलकुलेट कैसे किए हैं टोटल क्रॉच का, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। इसका दोस्तों क्रॉच का कैलकुलेटर देखिए, आपको स्क्रीन पे आएगा, ठीक है। तो ये रख रहा हूँ दोस्तों 9.5 इंच, मैं 1.5 इंच बेल्ट का घटा के, ठीक है, मार्जिन के साथ रखेंगे 9.5 पौने 10 इंच करीब रख देंगे, ठीक है दोस्तों, ये हमने रख दिया, ठीक है। मैं अभी फ़िलहाल तो 1/4 इंच ले रहा हूँ माया, यहाँ पे आप 0.5 इंच 1 सेंटीमीटर जो भी रखना है आप रख सकते हैं, मैं खाली आपको बताने के लिए रख रहा हूँ, ठीक है। ये हो गया दोस्तों फ्रंट क्रॉच का, ठीक है। वो कैसे निकालते हैं मैं आपके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, आप देख लीजिए, ठीक है। उसका कैलकुलेट है, ये 11 इंच टोटल आ रहा था, तो उसमें से बेल्ट हाइट निकाल देंगे तो बचेगा 9.5 इंच, हमने यहाँ पे 9.5 इंच प्लस मार्जिन रख के लाइन मार दिया दोस्तों, ठीक है। अब हम थाई का मेजर करेंगे, थाई कितना है दोस्तों, थाई है फ्रंट का 11 में एक सूत कम, मतलब 10.78, ठीक है दोस्तों 10.78 थाई है। तो इसका भी कैलकुलेट देखो दिखा स्क्रीन पे है, आप देखिए कैसे मैं निकाला हूँ। तो 10.78 का मैं थाई का मार्किंग कर लेता हूँ दोस्तों, यहाँ पे 11 में एक सूत कम, ठीक है। ये इस तरीके से हमारा ये मार्किंग आ गया, मैं इसको यहाँ पे पूरा कर दे रहा हूँ, इस तरीके से हमारा मिल गया, ठीक है। ये हो गया हमारा थाई दोस्तों। अब यहाँ पे हम हिप का लाइन मारेंगे दोस्तों, हिप दोस्तों हमारा है, फ्रंट हिप है 9.38, मतलब 9 इंच 1 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 9.38 पे हम हिप का लाइन मार लेंगे, 9.38 दोस्तों, ये देखिए 9 इंच 3 सूत का, ठीक है। 38 पे मैं यहाँ पे 9.38, ये हमने लाइन मार लिया दोस्तों, यहाँ पर भी वही कर लेते हैं 38, ये इसको सीधा कर लेंगे दोस्तों, इस लाइन को यहाँ दोनों सेम मारो, यहाँ से 9.38 यहाँ मार दिया, ये आप यहाँ पे भी मार के सीधा कर सकते हैं, फिलहाल मैं यहाँ मार के सीधा कर दे रहा हूँ दोस्तों, ये इसकी मदद से, ये हमने सीधा कर दिया दोस्तों, ये हमारा हो गया हिप लाइन, ठीक है। ये क्रॉच का लाइन हो गया, फ्रंट क्रॉच, ठीक है। ये हमारा टोटल थाई हो गया। इसके बाद दोस्तों ये 1.5 इंच तो हमने पहले ही कैलकुलेटर में रख लिया था, ये जो आगे का 1.5 इंच है, ठीक है 1.5 इंच का। अब इसका दोस्तों यहाँ का हम सेंटर निकाल लेंगे, दोस्तों 11 में 1 सूत कम है, तो ये हो जाएगा 5.5, एक थोड़ा सा 1 पॉइंट अंदर ही रहेगा, ठीक है दोस्तों 5.5 में 1 पॉइंट कम रहेगा दोस्तों। तो ये इसको हम सीधा कर लेंगे अब इस तरीके से, ठीक है, हम इसको पट्टी को सीधा कर ले रहे हैं, ठीक है दोस्तों। ये हमने सीधा कर, सेंटर लाइन आ गया है हमारा, सेंटर लाइन हमने मार दिया है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, इसमें 1.5 इंच ऊपर एक करीब करीब 12वां भाग जो भी है, एक समझ जाइए 12वां भाग के आसपास, ठीक है, सीट का 12वां भाग के आसपास एक लाइन ले लेना, जो कि मैं 2.5 इंच पे ले रहा हूँ, ठीक है दोस्तों 2.5 इंच पे एक लाइन, जो हमारा हिप का लाइन रहेगा दोस्तों, ये
ये हमारा हिप लाइन है, ठीक है, ये हमारा हिप लाइन है। उसके बाद ये हमारा हिप लाइन हो गया दोस्तों, हम इसको आधा इंच, इस लाइन से आधा इंच अंदर लेंगे दोस्तों, इस लाइन से आधा इंच अंदर लेंगे, ये मेन लाइन से आधा इंच अंदर लेंगे और यहाँ से यहाँ मिला के सीधा लाइन मार लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, ये पॉइंट से, ये पॉइंट से ये आधा इंच जो अंदर लिया, इसको हम एक लाइन मार लेते हैं ए, इस तरीके से, और ये यहाँ पे हम क्रॉच का शेप घुमा देते हैं दोस्तों, ठीक है, ये इस तरीके से हम शेप घुमा दिए दोस्तों, ठीक है। और अब हमारा एक्चुअल फ्रंट का कितना आया था दोस्तों, क्रॉच 9.5 इंच आया था ना, टोटल 11 इंच था, 1.5 इंच माइनस करेंगे बेल्ट का हाइट तो 9.5 होता है। हम यहाँ से दोस्तों 9.5 इंच माप लेंगे माया छोड़ के, ठीक है, यहाँ से 9.5 इंच माप लेंगे मार्जिन छोड़ के, तो 9.5 इंच दोस्तों मेरा यहाँ पे आ रहा है, हम ऊपर का मार्जिन भी ले लेंगे जो वेस्ट में जाएगा, तो ये हो गया 9.5 मतलब 10 9.78 आ जाएगा, ठीक है, 9.7 एक सूत कम दोस्तों, इसको भी हम यहाँ से मिला ले रहे हैं इस तरीके से। हमारा ये यहाँ से यहाँ तक हमारा हो गया फ्रंट क्रॉच टोटली 11 इंच, जिसमें बेल्ट का हाइट माइनस कर देंगे, ठीक है, 9.5 इंच आप इसको रेडी मापेंगे, मतलब मार्जिन छोड़ के दोस्तों, ठीक है, यहाँ से जितना भी आप मार्जिन लेते हैं मार्जिन छोड़ के आप माप के यहाँ पे 9.5 चलेंगे। इस तरह से हमने ये कर लिया दोस्तों। अब हम इसके नीचे का लेते हैं दोस्तों, नीचे का दोस्तों कैसा है कि ये टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ है दोस्तों 29 इंच, तो 14 हो जाएगा, 14.5 हो जाएगा, 14.5 और 2 इंच ऊपर लेना है, 2 इंच ऊपर लेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 16.5 इंच, ठीक है, 2 इंच ऊपर लेना है, टोटल 29 है, 2 इंच ऊपर लेना है तो ये करीब करीब हो जाएगा अपना 12.5 इंच का, ठीक है दोस्तों, 12.5 इंच, तो हम एक 12.5 पे नी का लाइन मार लेंगे, ठीक है दोस्तों, 12.5 इंच पे एक नी का लाइन मार लेते हैं ए, इस तरीके से 12.5 इंच पे, यहाँ से 12.5 इंच पे टोटल का आधा आधा से 2 इंच ऊपर 12.5 इंच पे हमने एक लाइन मार लिया दोस्तों। अब नी का कैलकुलेटर क्या दी दोस्तों, आप स्क्रीन पे शो कर रहा होगा, तो नी का क्या है कि नी का फ्रंट है 7.5 इंच, ठीक है दोस्तों, नी का फ्रंट है 7.5 इंच, तो 7.5 इंच दोस्तों, तो इसका कैसे निकाला जा रहा है आप स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 7.5 इंच है दोस्तों, 7.5 का अगर हम आधा करेंगे, 7.5 का आधा करेंगे दोस्तों 4 में 1 सूत कम, मतलब 3.78 हो जाएगा 7.5 इंच, ये हमारा यहाँ पे आ गया दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से हम बॉटम का भी कर लेंगे आधा, हमने जो फ्रंट का निकाल रखा है बॉटम का दोस्तों है 6.5 इंच, 6.5 इंच इसका भी कैलकुलेटर आपको शो कर रहा होगा दोस्तों, 6.5 इंच कैसे निकाला हमने, तो ये 6.5 इंच आ गया दोस्तों, 6.5 का आधा कर लेंगे, आधा इधर आधा इधर, तो 6.5 सवा 3 सवा 3 हो जाएगा दोस्तों, ये 3.25 फ्रंट में गया और ये 3.25 इस तरफ आ गया, मतलब दोनों तरफ 3.25 सवा 3, ये हमारा नीका निकल गया, ठीक है दोस्तों। अब मैं इसको एक सीधा कर लेता हूँ इस तरीके से, ये यहाँ पे मिला दिया, इसको भी हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं, ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे मिला दे रहे हैं, यहाँ मिला दिए, इस तरीके से दोस्तों हमारा फ्रंट निकल गया। इसको अच्छे से शेप देना है तो आप इस पट्टी की मदद से इसको एक अच्छा सा शेप बना दीजिए, देखिए इस तरीके से,
उसी प्रकार से यहाँ का भी दे देंगे। यहाँ का भी दे दिए और उसके बाद वेस्ट का, दोस्तों वेस्ट का भी हमने, वेस्ट है दोस्तों फ्रंट का 7.5 इंच, इसका भी कैलकुलेट आपको शो कर रहा होगा स्क्रीन पे। हम यहाँ से मापेंगे 7.5 इंच दोस्तों, ये आया हमारा 7.5 इंच और ऊपर इसको भी सेट का हम मिला दे रहे हैं। दोस्तों इस तरीके से हमारा फ्रंट कटिंग हो गया दोस्तों, आप समझ गए। आपको कैलकुलेट मैं करके स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कैलकुलेट का, एक अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, आप आई बटन में देखेंगे तो आ रहा होगा। इसको हम कटिंग कर लेते हैं दोस्तों फ्रंट को, उसके बाद बैक बताते हैं आपको। ये देखिए दोस्तों, ये रेडीमेड गारमेंट कटिंग बॉटम है जहाँ पे मेजरमेंट चार्ट मिलता है, आपको उसको कैलकुलेट करके कैसे करना है वो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा, हो सकता है दोस्तों मेरे बताने में थोड़ा 19-20 होगा, तो आप ज़रूर कमेंट करिए, हमसे पूछिए, हम बताएंगे उसको। दोस्तों ये हमारा फ्रंट कटिंग हो गया है, ठीक है। अब हम इसका बैक आपको कटिंग करके बता रहे हैं दोस्तों, बैक कैसे कटिंग करते हैं। दोस्तों ये फ्रंट है, इस फ्रंट को हम इस पर रख ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से, और इस पर हम बैक कटिंग आपको बताएंगे फ्रंट के हिसाब से, ठीक है। बैक कटिंग ये हमने दोस्तों रख लिया है फ्रंट को, पहले तो हम ये लाइन मार देंगे, आप इस लाइन को मिला के और इधर बॉटम को भी मिला के एक लाइन मार लेंगे दोस्तों, ठीक है। और ये इधर का तो सेम ही रहेगा दोस्तों, ठीक है, यहाँ तो सेम रहेगा यहाँ तक, थोड़ा ये बैक का आपको बता रहा हूँ दोस्तों। बैग का क्या है मेजरमेंट आपको मैं, बैग का देखिए अलग से वेस्ट है, बैग हिप है, बैग थाई है, बॉटम है, नी है, दोस्तों ये हमने लाइन मार लिया है यहाँ से 1.5 इंच गैप रख के, जो बैक फ्रंट का गैप आता है, बॉटम में भी 1 इंच का गैप रख के लाइन मार दिया दोस्तों, यहाँ पे करीब 2.5 इंच का, करीब करीब 2.5 इंच का गैप मार दिया जो हमने शो किया था शुरू में ही मेजरमेंट में, ठीक है दोस्तों। अब हम यहाँ से बैक हिप का मेजर करते हैं दोस्तों, बैक हिप का मेजरमेंट है 10.18, 10 इंच एक सूत का यहाँ इस लाइन पे, ये दोस्तों यहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया, इसको हम सम लाइन मार लिए, ये देखिए ये यहाँ पे आ गया, हमने क्या किया, ये आने के बाद हम यहाँ से इसको एक सम रेखा मार दिए, सम रेखा, सम लाइन इधर आ गया ना सीधा, ठीक है। ये सीधा मारने के बाद दोस्तों अब हम आपको क्या कर रहे हैं, ये सीधा हो गया दोस्तों, फिर क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट पे हम एक सीधा लाइन मार लेते हैं, ये जो हमारा पहले
हाई पॉइंट लाइन मारा था दोस्तों एल में समरेखा, इसको भी हम सीधा कर ले दोस्तों इस तरीके से। ये देखिए ये सीधा हो गया दोस्तों, ठीक है ये। और उसके बाद बैक का वेस्ट मापेंगे हम, बैक का वेस्ट है दोस्तों 8.25 इंच प्लस डाट का मार्जिन लेंगे आधा इंच का, ठीक है 8.25 प्लस आधे इंच का डाट मार्जिन, ये हो जाएगा दोस्तों 8.25 आधा 9.25 इंच, ठीक है दोस्तों 9.25 इंच का यहाँ पे हमने मार्किंग कर लिया है, यहाँ पे 9.25 इंच यहाँ से मापेंगे। हमारा बैग 8.25 इंच आया दोस्तों प्लस आधा इंच का डाट का मार्जिन लेंगे तो हो जाएगा 9.95 पे हमने लाइन मार दिया है दोस्तों। यही मेन है, इसको देखिए कैसे मैं काट रहा हूँ, पैटर्न ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, बना रहा हूँ ये। इसको दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन मार ले रहे हैं इस तरीके से, ठीक है इसको सेम इसी पे लाइन मार ले रहे हैं इस तरीके से। यहाँ पे हमारा आया है, मैं आपको वही बता रहा हूँ, आप देखिए थोड़ा, आप अंत तक देखेंगे पूरा देखेंगे तो ही आपको दोस्तों समझ में आएगा, ठीक है। इसको हम सेम रख रहे हैं दोस्तों, ये सेम रहेगा, ठीक है साइड का ये सेम रख लिया, ठीक है। और इसको भी हम सेव कर ले रहे हैं दोस्तों यहाँ से, ठीक है ये हमने सेव कर लिया है दोस्तों, ये हमने सेव कर लिया है। अब क्या करते हैं, ये देखिए इसको फ्रंट को मैं हटा रहा हूँ कुछ समय के लिए थोड़ा साइड से यहाँ से, और ये यहाँ पे हमारा है दोस्तों, और ये हिप लाइन है। अब इसको ज़रा देखिए ध्यान से, ये हमारा हिप लाइन है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ से दोस्तों हम पैटर्न में कट मारेंगे यहाँ से और करीब करीब यहाँ से, ठीक है। देखिए ये जो थाई लाइन है यहाँ से जो जहाँ टर्न हुआ है या हिप का लाइन आया है यहाँ से एक चीर करेंगे और यहाँ करेंगे। पहले मैं इसको आपको दिखा दे रहा हूँ कैसे काटता है ये, पहले तो मैं इसका बैक रेडी काट लेता हूँ दोस्तों। देखिए ये बैक जो हमने पैटर्न किया है उसको रेडी कर लेता हूँ, पहले काट लेता हूँ। ये पैटर्न कटेंगे दोस्तों, इसका एक और हम यहाँ से चिरवा करके सेट करेंगे, दूसरा पैटर्न बैग बनेगा दोस्तों। अभी ये कच्चा पैटर्न है ये बैग का दोस्तों, ये बहुत सही जानकारी है, आप खाली इसको समझ जाइए, क्योंकि ज़्यादातर लोग हिप में ही फंस जाते हैं दोस्तों। और मैं आपको ये हिप का ही विशेष जानकारी दे रहा हूँ कि हिप को कैसे सेट करते हैं दोस्तों, रेडीमेड गारमेंट पैंट का और हिप भी का भी मेजरमेंट बराबर आ जाए जिससे आपको। हाँ देखिए अंदाज के लोग करते हैं, बहुत लोग करते हैं ऐसे, जिनका प्रैक्टिस हो गया है, जिनका नॉलेज हो गया है, अच्छे से जानकारी हो गया, वो कर लेते हैं दोस्तों अंदाज के। मैं भी अंदाज के कर दूंगा, लेकिन फिलहाल मुझे वो नहीं करना है, मुझे आपको बताना है कि कैसे करते हैं दोस्तों, इसलिए मैं इसको आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूँ, ठीक है। बाकी जो रेगुलर मास्टर हैं वो तो कर ही देते हैं, का कोई टेंशन नहीं है। मैं आपके लिए कर रहा हूँ, जो कमज़ोर हैं जिसको जानना है कैसे करते हैं मैं वही बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखिए दोस्तों अब यहाँ से दोस्तों ये बैक हो गया ना, अब यहाँ से हमें चीर कर देंगे, लगा देंगे दोस्तों। देखिए मैं इसको कट करता हूँ यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पे हमने इसे कट कर दिया। आपको ये तो आपका सेटिंग पैटर्न हो गया सेट करने के लिए, दूसरा पैटर्न आप निकालना पड़ेगा आपको बाइक के लिए, ये हो गया दोस्तों। तो मैं ज़रा इधर घुमा लेता हूँ ये इस तरीके से, ये देखिए ये मैं वापस इसको इस पर रख रहा हूँ, यहाँ पे रख लिया, यहाँ पे रख लिया। और इसका क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए इस तरीके से
बैक का जो क्रॉच आया था दोस्तों 15 इंच आया था। अब आप इसको ना दोस्तों 15 इंच आपको क्रॉच मापना है, ये देखिए माया छोड़ के, ठीक है 15 इंच कहाँ आएगा और माइनस बेल्ट का हाइट, ठीक है 15 में अगर बेल्ट का हाइट माइनस करेंगे आता है 13.5, तो हम इसको 14.25 या 14 में, ठीक है ये देखिए ठीक है ये दोस्तों यहाँ पे करीब आ गया, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा 14.25 पे मैं 13.78 पे हमने सेट कर दिया दोस्तों। ये देख रहे हैं आप किस तरीके से हमने किया है पैटर्न, ये हमारा सेट हो गया दोस्तों इस तरीके से, ये देखिए। अब हमारा जो एक्चुअल कटिंग होएगा ये सब सेम रहेगा, दूसरा पैटर्न काटना पड़ेगा बैक के लिए, फिर वापस इसी लाइन पे हम सेट कर लेंगे इसको। ये हमारा बैक लाइन है दोस्तों, देखिए हमने क्या किया है, ये हमारा एक्चुअल लाइन है ये वाला, ठीक है इसको हम कितना बढ़ाए हैं, जितना हमारा बैक राइस है जो हमने मेजरमेंट दे रखा है, कितना दिए रखा है दोस्तों 15 इंच, जिसमें से 1.5 इंच बेल्ट का माइनस करेंगे तो 13.5 इंच आता है, इसको 13.5 इंच सेट कर लेना है, कहाँ पे आ रहा है 13.5 इंच वहाँ पे छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ये सेट कर लेंगे दोस्तों। इस तरीके से हमारा बैक कटिंग हो गया दोस्तों। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा, ठीक है मैं अब दूसरा काट के दिखाऊं या इसी पे, चलो दूसरा काट के मैं आपको दिखाता हूँ, ये अब तो इसमें समझ जाएंगे आप दोस्तों किस तरीके से हमने काटा है, ठीक है दोस्तों।